मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं थोड़ा सा ठीक हूँ दोस्तों, इसीलिए बहुत कम एम्पलीट्यूड में बात कर रहा हूँ दोस्तों। मैंने आपको 29 तारीख का एक की गाइडलाइन थी कैलेंडर की, वो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों के जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा, जो डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं उनका एग्ज़ाम कब होगा, ये सब बातें बताई थी मैंने। और तो आज UGC का एक गाइडलाइन और आया है, मतलब 4 तारीख को आया था, तो 5 हो गई 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया। तो इसमें उसने क्लियर कट बोला है कि जो बच्चे इंटर्नशिप वाले हैं, जैसे डिप्लोमा, जो डिप्लोमा 4 सेमेस्टर में है, उनको इंटर्नशिप की टेंशन हो रही है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, कुछ कॉलेजेस में 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। जैसे मैं YMC से था, पूरा 1 सेमेस्टर ट्रेनिंग होती है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो 29 तारीख को था उसी के अंदर उसमें इंटर्नशिप का जो मैटर था वो उन लोगों ने नहीं बताया था। तो जो UGC है और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो हैं वो इंटर्नशिप में बहुत तगड़ा फ्रेमवर्क या बहुत तगड़ी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को ऑनलाइन इंटर्नशिप के लिए अलाउ कर दिया गया है, जिसलिए वो अपने घर पर बैठ के किसी भी कंपनी में ऑनलाइन इंटर्नशिप कर सकती है। और उनको अगर जो भी उनके प्रोजेक्ट हैं कंपनी के उसके ऊपर वो काम कर सकते हैं, लेकिन घर पे बैठ के। और दूसरा, इंटर्नशिप अगर लेट से स्टार्ट करेंगे तो उनके उसके लिए अलाउ कर दिया गया कि डिले द स्टार्ट डेट ऑफ इंटर्नशिप। और दूसरा क्या है कि इंटर्नशिप की जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया जाएगा, और ताकि आपको जो कॉलेजेस में असाइनमेंट वगैरह मिल रहे हैं, ये चाहे कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, चाहे कोई बीटेक के लिए कॉलेज है, ये इंटर्नशिप का जो नोटिस है ये सबके लिए है, ठीक है। तो जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, बहुत सारे बच्चे उसमें डाउट पूछ रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, पेपर कब होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके पेपर टेंटेटिवली मैंने बताया था, जो UGC ने नया कैलेंडर निकाला है उसके हिसाब से आपके जो एग्ज़ाम हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगे, जो फाइनल ईयर के हैं, ताकि वो जाके उसके बाद जॉब वगैरह करेंगे या जो भी करेंगे। इसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि अगर माहौल सही रहता है तो जो पेपर का ड्यूरेशन है वो 3 घंटे के बजाय 2 घंटे कर दिया जाए, उसको MCQ टाइप का पेपर ले लिया जाए या ओपन बुक पेपर ले लिया जाए, इस तरीके से है। बहुत सारे इसके अंदर स्टेप बताए हैं UGC ने। और उसके बाद AICT का भी एक ऑर्डर आया था 1 मई को, उसने कहा AICT ने कि चाहे कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज है, मतलब टेक्निकल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं या डिग्री है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है या जितने भी किसी भी स्टेट के अगर पॉलिटेक्निक है, तो उनको वही जो UGC ने गाइडलाइन बनाई है वो भी उसको एग्री करते हैं, AICT भी इस चीज़ को एग्री करता है। तो कई बच्चों को लग रहा है कि ये फ्रॉड नोटिस है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट बिल्कुल सही नोटिस है। इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो जो आप लोगों के एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे, मतलब ये सेमेस्टर। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों ये बात, आप जाके लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। वैसे बस मैं इसमें ये आपको कहना चाह रहा था कि जो आपके एग्ज़ाम हैं आप बार बार पूछ रहे थे, तो आपके एग्ज़ाम के किसी भी तरीके के एग्ज़ाम हो सकते हैं, आपका MCQ वाला एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन डेट जो है टेंटेटिव ये रहने वाली है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में। और जितने भी लीड देने वाले बच्चे हैं वो समझ लें, आज मैंने YouTube पे और जगह जगह अपलोड भी करा है कि जो हमारा UPDU का पेपर है वो दोबारा से एक्सटेंड होगी डेट, IP का भी एक्सटेंड होगी, मतलब ये लोग जून तक देखेंगे और जून में पेपर हो जाएगा, ठीक है। मान लो 15 मई तक लॉकडाउन फिनिश हो जाता है सपोज करते हैं, या 16 मई जब भी लॉकडाउन हमारा खुलना है मई में, वो उसके बाद फिनिश हो गया। उसके बाद जो टाइम रहेगा फटाफट से, जो कॉलेज का जो समर अप करना है, आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना था, आपका
आपके सेशनल मार्क्स थे, आपके कोई भी असाइनमेंट थे, इंटरनल असाइनमेंट थे, आपके सेशनल के मार्क्स थे, उन सबको क्लब करके एक फाइनल रूप देके उसके बाद आपके फाइनल पेपर की तरफ बढ़ दिया जाएगा। तो आज का जो नोटिस है वो बेसिकली इंटर्नशिप के लिए है कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनके लिए है, या जो बच्चे हमारे जस्ट फाइनल ईयर में आने वाले हैं उससे पहले उनको जो इंटर्नशिप करनी होती है उनके लिए है। उसकी ड्यूरेशन कम कर दी जाए, उनको स्टार्ट अगर वो लेट से करते हैं तो उनको करने दिया जाए, और वो ऑनलाइन अगर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उनको अलाउ किया जाए, चाहे ये प्राइवेट कॉलेज है चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, जो UGC और AICTE अप्रूव होगा उनको इनका ये जो बात है वो माननी पड़ेगी। दोस्तों ये कल का नोटिस है, मतलब मैं 12 बजे के बाद बना रहा हूँ, तो ये कल का नोटिस है तो आज के, लेकिन आई एम नॉट वेल, मैं कुछ दिनों से नहीं ठीक हूँ। हालांकि मैंने आप लोगों को कमिटमेंट करा हुआ है कि मैं UPDU, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, इनके जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए कितनी सीट हैं कितनी नहीं है ये बताऊंगा। आज का इस वीडियो में मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि डिप्लोमा के फाइनल ईयर का जो बच्चों के पेपर है वो 1 जुलाई से टेंटेटिव है, ये टेंटेटिव अगर सब सही रहते हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई, और जो उसके छोटे मतलब सेकेंड ईयर के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका पेपर 16 जुलाई से 31 जुलाई रहेगा, और आपका जो सेमेस्टर है और जो फाइनल ईयर वाले होंगे उनका रिजल्ट 31 जुलाई तक आ जाएगा, उसके बाद वो IP की, UPDU की, हरियाणा की, पंजाब की काउंसलिंग करेंगे। मेरे को लगता है कि ये नोटिस जो आज इंटर्नशिप का उसके लिए मैंने अपडेट कर दिया है, थोड़ा आज मेरी एनर्जी लेवल थोड़ी नहीं बहुत कम है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, और बाकी मैं जल्दी ठीक होके आप लोगों के साथ जितने भी नीट हैं उनके टॉप के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो हम बच्चों को इंस्टीट्यूट में गाइड करते थे वो हम इस मीडियम से आपको गाइड करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे फ्री क्रैश कोर्स का, जो कि फ्री क्रैश कोर्स इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का बाय GP सर, और ये बहुत बढ़िया कोर्स है, इसके अंदर इतने क्वेश्चन कराए हैं सर ने, ओरिजिनल लीट में आए हुए, ओरिजिनल लीट में आए हुए क्वेश्चन बहुत कराए हैं। तो आप सबसे जो भी UPDU से बिलोंग करते हैं, हरियाणा लीट के लिए पढ़ने जाते हैं, वो ये जो हम क्रैश कोर्स करा रहे हैं इलेक्ट्रिकल का, ये JEE लीट में भी काम आएगा, हरियाणा लीट में भी काम आएगा, UPDU लीट में भी काम आएगा, पंजाब लीड में भी काम आएगा, स्लाइट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल से पेपर भरेंगे उनके लिए भी काम आएगा। इसके अंदर जो क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं वो ओरिजिनल लीड के क्वेश्चंस हैं, आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए। जैसे ही थ्योरी खत्म होगी क्लास वाइज, जैसे ही क्लास 1 की थ्योरी खत्म होगी, क्लास 1 कौन सा है, DC सर्किट, DC सर्किट की थ्योरी के बाद कम से कम 100 क्वेश्चन आपको थ्रू वीडियो के थ्रू से अच्छे से एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो ये फ्री क्रैश कोर्स है सभी डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वीडियो को शेयर करो, देखो और ज्ञान लो, घर पे रहो, स्वस्थ रहो, हमारे लिए भी थोड़ी सी दुआ कर दो, हम भी स्वस्थ होने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच लिसनिंग माई वॉइस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।